वही मुझे खर्च करने हैं और वही मार्केट में क्या क्या खरीदूंगी वो सारी आपको प्राइजेस शॉप दिखाते रहूंगी और एंड में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या खरीदा, तो वीडियो पूरा देखिएगा और बहुत मजा आने वाला है। और क्योंकि आपने मेरी शनिवार मार्केट वाली जो वीडियो थी उसको काफी प्यार दिया, सो मैंने सोचा कि एक मार्केट की वीडियो और लाई जाए। सो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शॉपिंग चैलेंज लिया है, तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं इन इयररिंग्स से। कितने अच्छे अलग अलग तरीके के इयररिंग्स हैं यहाँ पे। सो एक तो ये परचेस कर रही हूँ मैं और सामान आपको सारा एंड में देखने को मिलेगा, तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिए। आज तो हम सेकंड गए हैं, वो ये है जींस की, यहाँ पे 200 रुपीज की सेल है, सो यहाँ से एक जींस लेते हैं। जो अपनी शॉप है शॉप पे आए वो है ये सूट की शॉप है। ये यहाँ पे 500 रुपीज के फिक्स प्राइस है। सो मुझे एक पसंद आ गया है इसमें से और वो क्या है वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी और सूट लेते हैं फिर आगे वाली शॉप पे मिलते हैं आप। तो ये इधर जब हम इधर एंटर करते हैं ना बीच मार्केट से राइट लेते हैं, तो ये चप्पल की शॉप है और यहाँ पे हमने ली है ऐसी घर पहनने की जिसका कॉस्ट है 200, हाँ 200 रुपीज की। सो ये एक हमने ये भी ली है, मेरी ग्लास में दिखाऊंगी आपको कैसी ली है। तो अभी मैं चप्पल की शॉप पे और ये ऐसे यहाँ पे जोधपुरी स्टाइल में बहुत अच्छी चप्पलें मिल रही थी, तो हमने सोचा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सूट हैं सो हम परचेज करते हैं एक जोड़ी। इसकी कॉस्ट है 300 रुपीस और थोड़ी सी कॉस्टली है बट क्योंकि ये बहुत ही रेयर होते हैं सो एक अभी भाव तो करते हैं देखते कितने का मिलता है। तो ये ऐसी मार्केट है, यहाँ पे आप जहाँ भी नजर मारोगे ना आपको स्टार्टिंग से एंड तक सूट 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 दिखते रहेंगे और ऐसा नहीं कि ये बहुत ही चीप सिर्फ चीप मार्केट भी है, यहाँ पे अच्छे अच्छे शोरूम भी हैं जो हम लोग आपको थोड़े थोड़े शॉप्स दिखाएंगे और ये आगे भी पूरे सूट सूट की दुकान है। सो अगर आप लोग आते हैं तो इधर जरूर विजिट कीजिएगा, आपको अच्छा अच्छा लगेगा। अगर आपको ट्रेडिशनल कपड़े खरीदने हैं तो ये अच्छी मार्केट है। सो हम बहुत मार्केट करते करते थक गए सो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर अभी रुक गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है और हम ऐसे बैठ गए थे यहाँ पे, बाकी लोग बैठे हुए थके आ रहे थे थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर आगे की शॉपिंग शुरू करते हैं। ये ड्रेस लेनी है, ये वो वाले मास्क वाले पागल ले ले, ये वाला चाहिए ना नजर वाला ले ले लूं भैया, बोलो हमने बैठे वो 50 मैं ये कितने का है ये दे ना एक हमें बैठे बैठे ये भी मिल गया है, ये है 200 के दो ना 220 के दो, तो ये दो मैट है और इसमें से भी एक पसंद कर रही हूँ मैं, ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, ये वाला आज पता नहीं क्या हो रहा है जो चीज पहले दिख रही है वही पसंद आ रही है मुझे, सॉरी।
आपका जो पहला टर्न होता है वहाँ पर ऐसे ये थोक के कपड़े की शॉप है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से थोक में कपड़ा लेके और उसे स्टिच करवा सकते हो। आप एक बार क्वालिटी देखो, व्हाइट में कितना अच्छा कलेक्शन है इनका, और मतलब ऐसे देख के काफ़ी अच्छा अच्छा सा लग रहा है। तो आप इस वाली शॉप से भी ले सकते हो, आगे भी सेम सेम ऐसे ही शॉप है। तो ये इसका नाम है घूंघट दुपट्टा होलसेल प्राइस, तो ये पूरी होलसेल की शॉप्स है। जो दुपट्टे वाली गली है उसी में आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ये फ्लावर की पूरी शॉप दिखेगी। इसमें होम डेकोरेशन का पूरा सामान है, आप एक बार ये देखो ये कितना सुंदर है। तो आप यहाँ से घर की जरूरत का सामान भी ले सकते हो, बहुत ही प्यारी शॉप है ये। हमारी शॉपिंग हो गई और बस हम यहाँ से रैप अप करके घर जा रहे हैं। घर पे आपको पूरी शॉपिंग दिखाते हैं मैंने 1000 रुपीज में क्या क्या खरीदा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, मैं घर आ गई हूँ और काफ़ी थकान भी हो गई है। और मैंने जैसे कि बताया था कि 1000 रुपीज का चैलेंज लिया है। सो नाउ मैं आपको अपना सामान दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया है मैंने। तो मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। 300 रुपीज की ये सैंडल जो पूरी चप्पल टाइप की है, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बताया था कि सूट हो गए हैं थोड़े से, सो दैट्स व्हाई ये ली है हमने 300 रुपीज की। एक ही 200 रुपीज की टी शर्ट है, पिंक कलर की टी शर्ट है और इस पर ऐसे वाइट में लिखा हुआ है परफेक्ट, जो कि मैं नहीं हूँ बट स्टिल। सो एक ये ली है एंड 500 ये हो गए। और 500 रुपीज का ये सूट लिया था मैंने। इसमें जैसे ये कुर्ता है, ऐसे पूरा लॉन्ग ए लाइन कुर्ता है और इसका ऐसे ये पैजामा है लाइनिंग का पूरा। सो ये 500 में मुझे पड़ा। एक तो जीन्स मैं आपको दिखा रही थी, वो ये 200 रुपीज की जीन्स है। और एक ये पैजामा मुझे पड़ा 150 रुपीज का। ईयरिंग्स मैंने अभी पता नहीं कहाँ रहती हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए थे, कुछ खास नहीं है, 50 रुपीज के वो थे। और एक ये है, इसमें दो हैं, ये है 200 रुपीज का टोटल, मतलब 100-100 रुपए के मुझे दो पड़े। सो गाइस, 1000 रुपीज का चैलेंज से तो मेरा बजट थोड़ा ऊपर चला गया, क्योंकि लाजपत नगर मेरे घर से काफ़ी दूर है और फिर मैं वहाँ पे जाऊँ और शॉपिंग ना करूँ ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि लाजपत नगर कंपेरेटिवली सरोजनी नगर से महंगा है, मतलब कि अगर आप 1000 रुपीज लेके जा रहे हो, आप शॉपिंग के मूड से जा रहे हो और 1000 रुपीज लेके जा रहे हो, सो माइट बी वो आपको कम पड़ जाए, जैसे कि मुझे पड़ गया। बट मेरा ओवरऑल बिल 1300-1400 रुपये पड़ा टोटल सामान का। एक वो जो घर के स्लीपर दी लाई थी वो रिया ने ले ली, सो वो तो कटा है, बट फिर भी मैं आप लोगों से झूठ के बोलूँ कि मतलब 1000 में हो गया, जो कि नहीं हुआ। सो मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा ये महंगा है कंपेयर अगर किया जाए सरोजनी मार्केट से लाजपत को, तो लाजपत थोड़ा सा महंगा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सरोजनी का भी वीडियो बनाऊं, सो मुझे बताइएगा, मैं सरोजनी का भी वीडियो बनाऊंगी। वैसे मुझे जाना, मतलब वैसे उसको जाना नहीं है, बट अगर आप कंपेयर के लिए चाहते हैं कि मैं जाके वहाँ पे वीडियो बनाऊं, सो मैं बना दूंगी। आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग बताइए आप लोगों ने ये मेरा जो चैलेंज है वो इन्जॉय किया कि नहीं, और ऐसे मार्केट वाले और भी आप चैलेंजेस देखना चाहेंगे कि नहीं। मैं ट्राई कर रही हूँ डिफरेंट अलग अलग कॉन्टेंट लाने का, सो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और पूरा देख ले, बस उतना सपोर्ट काफ़ी रहता है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो गया है। सो अभी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।